नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ शिवम और हम पढ़ेंगे कंप्यूटर लेक्चर 2, वो भी डिटेल में। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और ट्विटर में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एवोल्यूशन और डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के उद्भव और विकास। तो पिछले लेक्चर में मैंने अबेकस के बारे में बताया था। ये एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार जो है प्राचीन बेबीलोन में किया गया था। ठीक है, ये संसार का सबसे पहला गणना यंत्र कहा जाता है। इसमें गोलाकार मनके पिरोए जाते हैं, पिछले लेक्चर में इमेज बताया था, जिसकी सहायता से इसको गणना करना आसान हो जाता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये इमेज है, देख सकते हैं। ये इस प्रकार से ये मनके है इसमें, और इससे इसको इस तरफ कर कर लेफ्ट करके इसमें गिना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ब्लेस पास्कल और पास्कलाइन, मतलब क्रमिक है। सबसे पहले अबेकस आया, उसके बाद फिर धीरे धीरे विकास हम देखते जाएंगे। तो आ गया हमारा ब्लेस पास्कल और पास्कलाइन। ठीक है, शताब्दियों के पहले जो बड़े यांत्रिक जो मशीन थे उनको अंकों की गणना के लिए विकसित किया गया। ठीक है, कुछ एक आध टाइपिंग मिस्टेक दिख सकता है क्योंकि बहुत सारा टाइपिंग करना रहता है, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। शताब्दियों के पहले मतलब यांत्रिक जो भी मशीनें थीं उनका उपयोग केवल गणना करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी में फ्रांस के जो गणितज्ञ है ब्लेस पास्कल, उसने एक यांत्रिक अंकी गणना यंत्र जो है सन 1645 में विकसित किया। तो आपको सन याद रखना है, 1645 में विकसित किया। किसने किया? तो गणित के जो ब्लेस पास्कल है उसने किया। इस मशीन को एडिंग मशीन कहते थे, क्योंकि यह सिर्फ ऐड और सब्सट्रैक्ट मतलब जोड़ और घटाव बस कर सकता था। ये मशीन जो है घड़ी के ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता था, घड़ी या फिर ओडोमीटर। ओडोमीटर उसे कहते हैं जो स्पीड नापता है, जैसे कि बाइक में जो मीटर होता है, पुराना बाइक जो है उसमें जो कांटे वाला जो मीटर होता है उसको ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत पर ये मशीन कार्य करता था। इसमें कई दांते युक्त चक्रियां होती थी जो गोल गोल घूमती थी। चक्रियों के दांतों पर 1 से 9 तक के अंक जो है छपे रहते थे, और प्रत्येक चक्री का स्थानीय मान जैसे अलग अलग होता था, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इस प्रकार से मतलब ये ब्लेस पास्कल जो है यांत्रिक मशीन था पूर्ण रूप से, और ब्लेस पास्कल जो है एक वैज्ञानिक है, और उनका जो मशीन का नाम है वो पास्कलाइन है। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पास्कलाइन के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम आगे देखते हैं, ये है पास्कलाइन। ठीक है, अब सन 1694 में आ जाते हैं। पहले हम पढ़े थे अभी कहाँ, कौन सा सन था, 1645। अब उसके बाद आ गए हम 1694, रेकनिंग मशीन। जर्मन गणितज्ञ और दार्शनिक जो गॉटफ्रिड विलियम वॉन लेबनीज है, ठीक है, इन्होंने पास्कलाइन का विकसित रूप तैयार किया, और जिसे रेकनिंग मशीन या लेबनीज चक्र कहा। ठीक, तो इस प्रकार से इन्होंने जो पास्कल जो मशीन है पास्कलाइन, उसको इन्होंने मॉडिफाई किया और उसको रेकनिंग मशीन का नाम दिया। कब? 94 में। ठीक है, ये जोड़ घटाव के अलावा गुणा भाग भी कर सकता था, मतलब इसमें दो चीज़ें और जुड़ गया। पहले था सिर्फ जोड़ घटाव और अब आ गया गुणा भाग। इस प्रकार ये यांत्रिक यंत्र एरिथमोमीटर, और इसी प्रकार का फिर इसका भी जो मॉडिफाई किया उस वो कहलाए एरिथमोमीटर। और ये किसने किया? थॉमस डे कमर ने। ठीक है, ये 1820 में किया। तो बस ये नाम याद रखना है कि इस मशीन का नाम क्या था, अरिथमोमीटर, और उसको इन्वेंट किया था थॉमस ने, और 1820 में। आगे चलते हैं जेकार्डस लूम में। वो एक प्रकार सा लूम मतलब होता है बुनकर, बुनना यानी कि कपड़े बुनना। तो 1801 में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जेकार्डस ने कपड़े बुनने के लिए एक लूम का इन्वेंशन किया, जो कपड़ों के डिजाइन या पैटर्न जो है स्वयं देता था। इसमें लूम की विशेषता थी कि कपड़े के पैटर्न को कीबोर्ड के छिद्र युक्त पंच काटों से नियंत्रित किया जाता था। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो कीबोर्ड में जो छिद्र युक्त पंच काट थे उससे इसका नियंत्रण होता था। ठीक है, तो देखते हैं लूम कैसा था। ये इस प्रकार का था कुछ। चार्ल्स बेबेज और उनकी इंजन। कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं सदी का प्रारंभिक समय स्वर्णिम युग माना जाता है। ठीक है, कब का? 19वीं सदी। अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने एक गणना मशीन विकसित करने की आवश्यकता तब महसूस की जब गणना के लिए बनी हुई सब जो मशीन है उसमें त्रुटियां आने लगी, सारणी में। ठीक है, तो ये सारणियां हस्त निर्मित थीं इसलिए इनमें त्रुटि आती थी। 1822 में चार्ल्स ने एक मशीन का निर्माण किया जिसका व्यय ब्रिटिश सरकार ने वहन किया, और इस जो मशीन है उसका नाम रखा डिफरेंस इंजन। इस मशीन में गियर और शाफ्ट लगे होते थे और ये भाप से चलती थी। तो ये एक प्रकार से इंजन का रूप लेते गया, बड़ा रूप
वह सबसे पहले शुरुआती तौर पर, और गियर और शाफ्ट भी लगा रहता था इसमें। तो इसका नाम क्या था? डिफरेंस इंजन। और सन याद रखना है 1822 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ये है डिफरेंस इंजन, काफ़ी भारी भरकम दिख रहा है इमेज के तौर पर। 1833 में एनालिटिकल इंजन, उन्हीं ने फिर चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप तैयार कर लिया, और लगभग 11 साल बाद फिर से उनको मॉडिफाई किया और एनालिटिकल इंजन बनाया। ठीक है, ये मशीन जो है कई प्रकार के गणना करने में सक्षम था। ये पंच कार्ड में संग्रहित निर्देशों के अनुसार जो है कार्य करता था, मतलब जो भी चीज़ था इसमें स्टोर कर सकते थे हम, संग्रहण कर सकते थे आदेशों को, और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये परिणाम जो है छापता था। और ये है एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन से कुछ थोड़ा परिवर्तित रूप है ये। इसी प्रकार चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान में जो है जनक कहा जाता है, क्योंकि उनका जो योगदान है बहुत ज़्यादा है। तो ये आधुनिक कंप्यूटर का इन्होंने आधारशिला चार्ल्स बेबेज ने रखा था। ठीक है, तो इस प्रकार उनको कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब जो हमारे पहली प्रोग्रामर हैं उनका, उनके बारे में कुछ देखते हैं, एडा अगस्ता। ठीक है, चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन को जो है शुरू में बेकार समझा गया और उसका जो है बहुत उपेक्षा किया गया। इसके कारण जो है बेबेज जो है नाराज हो गए, अपार निराश हो गए। ठीक, तो परंतु जो अप्रत्याशित रूप से एडा अगस्टा, जो प्रसिद्ध इंग्लिश कवि क्या थे, लॉर्ड बायरन की जो पुत्री थी, उन्होंने बेबेज के उस एनालिटिकल इंजन में कंप्यूटेशन इंस्ट्रक्शन विकसित करने में उनकी मदद की। मतलब उसमें जो गणना करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे उसको विकसित करने में मदद किया, और इस प्रकार एडा अगस्ता को पहली प्रोग्रामर होने का श्रेय है। उनको सम्मानित करने के लिए एक प्रोग्राम का नाम उन्हीं के नाम पर एडा नाम दिया गया है। ठीक है, हरमन होरेलित जो है देखते हैं अब, ये सन 1890 में कंप्यूटर के इतिहास में अमेरिका की जनगणना का कार्य इनको सौंपा गया था। और अब 1890 से पूर्व जो है जनगणना पारंपरिक तरीकों से किया जाता था, तो लगभग 1880 में जब शुरुआत किया गया था तो 7 साल लग गया था। तो मतलब एक बार यदि कोई जनगणना करना था तो कई साल लग जाते थे, 7 साल लगभग। ठीक है, तो कम समय में जनगणना के कार्य को संपन्न करने के लिए हरमन हॉलेरिथ को एक मशीन बनाया इन्होंने, और पंच कार्डों को विद्युत के द्वारा संचालित किया, और उस मशीन की सहायता से जब जनगणना किया गया तो केवल 3 वर्ष में संपन्न हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है बहुत ही एडवांस मशीन इन्होंने बनाया था। तो 1896 में हरमन होरेलित ने पंच कार्ड बनाने की कंपनी स्थापित की, जिसे टेबलेटिंग मशीन कंपनी कहा गया, और इसे 1911 में किसी और कंपनी के साथ विलय कर दिया गया, और इसका नाम कंप्यूटर टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन हो गया। उसके बाद इसी कंपनी का आगे चलकर 1924 में पुनः नाम परिवर्तित होकर IBM हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो आज कंप्यूटर निर्माण में विश्व में अग्रणी कंपनियों में से एक है। ठीक है, अब कंप्यूटर इलेक्ट्रो मैकेनिकल युग में आ गया है, मतलब मैकेनिकल भी है और इलेक्ट्रो भी है, तो दोनों मिलाकर इलेक्ट्रो मैकेनिकल युग में आ गया है, क्योंकि हरमन की जो मशीन थी वो यांत्रिक थी और विद्युत से चलती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे डॉक्टर हावर्ड आइकेन और मार्क वन के बारे में, और उससे और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।